हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, इन द रिएक्शन सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एंड एच टू एस ओ फोर जो है वो दिया जा रहा है कोल्ड। सो यहाँ पर बी बन रहा है एंड देन एच टू ओ दे रहे हैं, तो यहाँ पर सी बन रहा है हमारा प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी एंड सी क्या है रिस्पेक्टिवली, हमें बताना है ऑप्शंस में, गिवन ऑप्शन से। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें रिएक्शन गिवन है एंड हमें बी एंड सी बताना है। सो यह द की कॉन्सेप्ट इज, तो द की कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड यहां पे जो हमारा रूल लगेगा वो होगा मार्कोनी कॉप रूल। ठीक है, तो मार्कोनी कॉप रूल में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो प्रिफर करता है कार्बन जहां पर ऑलरेडी मोर हाइड्रोजन्स हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्रिफर्स द, और ये अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स की बात हो रही है जहां पर सिमेट्री नहीं होती एंड एल्कीन्स है, तो हाइड्रोजन प्रिफर्स the carbon which already contains more hydrogen। so यहां पे अगर हम अपना compound देखें तो ये सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। सो रिएक्शन हम कराएंगे सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ठीक है, यहाँ हम दे रहे हैं एच टू एसओ फोर एच टू एसओ फोर एंड ये जो कंडीशन है यहाँ पर क्या है, कोल्ड है एंड ये है कोल्ड। ठीक है, सो हमें पता है कि जो एच टू एसओ फोर है ये ब्रेक हो जाएगा एच प्लस एंड एच एसओ फोर माइनस में, एंड ये जो एच प्लस है हमारा यहाँ पर लगेगा मार्कोनी कॉप एडिशन। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन होता है वो प्रिफर करता है कार्बन विच ऑलरेडी कंटेन्स मोर हाइड्रोजन, तो कौन सा कार्बन जो है अनसिमेट्रिकल कार्बन जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पर H है, यहाँ पर दो H है, तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन है वो यहाँ सी एच टू पे आकर के ऐड करेगा। ठीक है, एंड तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा सी एच थ्री सी एच, ये हो गया प्लस एंड सी एच थ्री। नाउ अब ये जो हमारा HSO4 माइनस है ये यहां पर आकर के CH पे यहां पर आकर के अटैक करेगा, सो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट यहां से CH3 CH एंड CH3 एंड ये है HSO4 HSO4। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि जब H2SO4 कोल्ड कंडीशन में दे रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो B बन रहा है। ठीक है, तो B बन रहा है एंड ये हमारा बन रहा है आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। दिस इज आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट ये हमारा हो गया B, दिस इज B। नाउ अब यहां से ये HSO4 क्या होगा, ये निकलेगा। ठीक है, एंड H2O यहां पर ऐड होगा क्योंकि फर्दर रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है कि यहां पर हम H2O दे रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखें तो CH3 CH HSO4 CH3 यहां से ये निकलेगा एंड यहां पर हम दे रहे हैं H2O, सो ये H2O जो है वो यहां पर आकर के ऐड होगा, सो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH OH2 एंड ऑक्सीजन यहां पर तीन बॉन्ड बना रहा है इसलिए यहां पर ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड देन CH3। नाउ अगेन, ठीक है, यहां पर ये OH2 है सो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया हमारा OH2। सो यहां से अब ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो ये हमारा
प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, CH, OH, CH3, एंड दिस इज टू प्रोपेनॉल, दिस इज टू प्रोपेनॉल, और वी कैन से दिस इज प्रोपेन टू ऑल। तो अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में ये है हमारा आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट एंड प्रोपेन टू ऑल। सो ये है हमारा प्रोपेन टू ऑल, एंड दिस इज द सी। ठीक है, ये हमारा सी बन गया, दिस इज सी। हमारा बी क्या बना, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, एंड सी बन गया प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो हियर द फाइनल आंसर इज डी। ओके, सो द फाइनल आंसर इज डी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।